नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम और आप सभी देख रहे हैं मामा भांजा ब्लॉग। तो आप सभी यूं ही बने रहें हमारे साथ और हम आपको बाबा भोलेनाथ की नगरी में ले जाएंगे और बाबा जागेश्वरनाथ के आप सभी को दर्शन करवाएंगे। भगवान श्री शिव महाराज जी के चरणों में जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे 108 छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। और आगे पहुंच के भवाली की तरफ जा रहे हैं और भवाली जो है कि एक प्रकार से पहाड़ का जो पहला स्टेशन होता है वो चीज है। वहां से पहाड़ के लिए सारी गाड़ियां वहीं से अच्छे से रूप से बस का जो अड्डा है वहां है। बहुत सुंदर जगह है, इतना खास है नहीं वैसे। अगर भीमताल हम जाते तो भीमताल ज्यादा आते वक्त हो सकता है भीमताल के रास्ते आएंगे और भीमताल में आपको दिखाएंगे। बहुत सुंदर व्यू है वहाँ पे। कहते हैं कि वहाँ पे भीम ने अपने गधे से तालाब बना झील बनाई थी, तो हम वो दिखाएंगे तुम्हें। अभी ये खूबी गांव के आसपास पहुंचे हम। बड़ा सुंदर दृश्य है, आज ठंडा मौसम है, सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ का महीना और शनिदेव जी का दिन है आज। देखिए हम भवाली मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी हम ये भवाली का मार्केट है। तो दोस्तों आप हमारे साथ दर्शन कीजिए कैंची धाम के, जो विश्व विख्यात बाबा नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। अभी हम गर्म पानी पहुंचते हुए, ये गर्म पानी का बाजार है। ये देखिए बहुत अच्छी सुंदर जगह है, बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ पे लंबी मार्केट है। ये हमारे आज के सारथी गिरिराज, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब मामा भांजा चैनल। थोड़ा से आगे जाते हुए हम यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारा जिसे बोलते हैं, सामने नदी बहरी और इधर से एक हाईवे चलती हुई, उधर से खड़ी पहाड़ियाँ जहाँ की सौंदर्य का भवन का पूरा सौंदर्य झलक रहा है। ये हम अल्मोड़ा में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हमने जागेश्वर वाला रास्ता पकड़ा है। कॉलेज पहली बार सुना है मैंने। बोलते दुगाल खिला, दुगाल खोला, खिला दुगाल खोला कहते हैं दुगाल। ये यहाँ का मार्केट है। मैं कह दिखी जैसी कहा Thank you.
अभी हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा, आरटीओ का जो ये ऑफिस है यहाँ पे, ये आरटीओ ऑफिस है और ये जागो सर के लिए रूट जाती है सीधी यहाँ से। और हम जो है कि अल्मोड़ा में पहुंचे हैं अभी। थोड़ा सा हम स्लो आ रहे थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ये अल्मोड़ा का सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा अगर आप देखेंगे यहाँ से अल्मोड़ा अगर देखा जाए तो शुरू होता है और ऐसे करके ये जितना एरिया ये दिख रहा है इससे 3 गुना या 4 गुना उस साइड को होगा, इसके पल्ली तरफ, पहाड़ के पल्ली तरफ। ये हमारे यात्रीगण, आज भारत का झंडा सभी जगह लहराते हुए, ये देखिए वंदे मातरम, पूरी देशभक्ति छाई हुई है इनके कंठ से, सुरीली आवाज में देशभक्ति निकल रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पर वहां 27 साउंड लिखा है। जय गोलजू महाराज, जय गोलजू महाराज, जय। अरे वहां चलो यार, पानी भी है सामने, देखो कितना बढ़िया जगह है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जागेश्वर धाम के मार्ग में हम अभी रुके हुए हैं और यहाँ पहाड़ियों पे मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। सामने चरगाह अपने गायों को चरा रहे हैं, भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं और हमें अत्यंत आनंद आ रहा है इन सभी को देख के। स्वर्ग ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। अत्यंत सुंदर नज़ारा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कितनी सुंदर सुंदर गायें, पहाड़ी गायें, पहाड़ी भेड़ बकरियाँ कितने आनंदमय तरीके से आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आगे को प्रस्थान कर चुके हैं बाबा भोले की नगरी की तरफ चलते हुए, इन नज़ारों का, आनंदमय नज़ारों का आनंद लेते हुए। पहाड़ी मार्ग अत्यंत संकरा मार्ग है लेकिन बहुत ही मनोरम दृश्य है यह। ये देखिए यहाँ पर काफी पार्किंग, देखिए यहाँ पे काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हुए। हमें भी शायद पार्किंग में लगानी पड़ेगी क्योंकि पुलिस वालों ने आगे रोक दिया है। तो साथियों अब हम पहुंच चुके हैं बाबा भोले की नगरी में। आइए आप सभी हमारे साथ दर्शन कीजिए और आनंदमय हो जाइए बाबा की नगरी में।
बाबा सभी का भला करे। ओम भोलेनाथ। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य अल्मोड़ा का।